अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन चॉप्स तवा फ्राई। इसके लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी लेंगे, 1 चम्मच नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से देखकर, 1 चम्मच मायोनीज लेंगे, 1 चम्मच टमाटो सॉस लेंगे, 1 चम्मच विनेगर डालेंगे, 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 1 चम्मच चिकन 65 पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच से थोड़ा कम डाल रही हूँ, 1 चम्मच व्हाइट तिल डालेंगे, 1 चम्मच हम थोड़ा सा पानी डालकर सारा मिक्स कर लेंगे। देखिए इतना हमें गाढ़ा कर लेना है। यहाँ पर मैं 300 ग्राम चिकन चॉप्स ली हूँ, ऐसे पतले स्लाइस कट करके लाना है हमें। अब इस चिकन स्लाइस को हम इसमें डुबो कर आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालूंगी और इसमें 1/2 नींबू निचोड़ूंगी। इसमें थोड़ी सी हम कसूरी मेथी भी डालेंगे क्रश करके। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम 1/2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। चलिए इसको हम अब फ्राई करते हैं। 1/2 घंटे के ऊपर हो गया है। एक तवा ले लेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालकर इसके ऊपर लगा लेंगे। के ऊपर चिकन चॉप्स रखेंगे। और थोड़ा ऑयल ऊपर से डालेंगे। Thank you.
ये हमारे चिकन चॉप्स रेडी हो चुके हैं, निकाल लेंगे इसको। देखिए चिकन चॉप्स तवा फ्राई हमारा रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।